नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम ब्रिटानिया के चार्ट पे हैं। आज हम देखेंगे कि ब्रिटानिया शेयर में हम कब और कहाँ एंट्री कर सकते हैं। क्या ब्रिटानिया हमारे लिए एक और मौका बना रहा है इस शेयर में एंट्री करने के लिए? आप इसके पिछले कैंडल को देखेंगे, हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं इस चार्ट में। यहाँ पे एक प्रीवियस, आप यहाँ पे देखेंगे एक डिमांड जोन बना हुआ है। इस डिमांड जोन के पास प्राइस दो बार आके ऊपर की ओर गई है। ये रहा आपका डिमांड जोन जहां पे हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। प्राइस यहाँ पे आई अपने डिमांड जोन के पास, फिर रिटर्न ये ऊपर की ओर गई। रिटर्न प्राइस जब नीचे की ओर आती है तो वहीं से एक बढ़त की ओर जाती है जहां पे एक डिमांड जोन था। ये डिमांड जोन के आसपास आके प्राइस रिटर्न ऊपर की ओर गई, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स थे इसके लिए प्राइस नीचे की ओर आया है। यहाँ पे हमारे ऑर्डर्स कंप्लीट हुए और ये ऊपर की ओर जा रहा है। अगर आप और आगे देखेंगे, जो हमारे प्रीवियस से नीचे की ओर आया था प्राइस, यहाँ से एक करेक्शन लेके ये हमारा डिमांड जोन जैसा आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे हमारा डिमांड जोन होता है वैसे यहाँ, यानी कि अभी भी यहाँ पे कुछ चीजें पेंडिंग है, कुछ ऑर्डर्स अभी बाकी हैं। अगर आप आगे की चार्ट को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि प्राइस रिटर्न नीचे की ओर आके यहाँ से जब इसने बढ़त की ओर गई थी, रिटर्न जब ये नीचे आई है प्राइस, यहाँ पे एक डिमांड जोन बना हुआ था जिसको यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रही है और रिटर्न यहाँ से ये ऊपर की ओर गई है। जब प्राइस ऊपर की ओर गई थी फिर यहाँ से ये नीचे की ओर आई है करेक्शन देते हुए, और ये वहीं पे रुकी है जहाँ पे हमारा, यहाँ से आपको ये पिछली बढ़त मिली है शेयर की, यानी कि यहाँ से किसने सपोर्ट लिया हुआ है और रिटर्न ऊपर की ओर जा रहा है। और ये सपोर्ट कहाँ से आ रहा है? जो हमारा यहाँ पे पिछला डिमांड जोन था। जब प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर रिटर्न जा रही है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ डिमांड जोन के पास आके यहाँ पे रुक जा रही है और यहाँ से रिटर्न अपने बढ़त की ओर जा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी डिमांड जोन के पास आ रही है यहाँ से ऊपर की ओर जा रही है, और यहीं पे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ब्रिटानिया के 4 आवर्स चार्ट पे यहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा। इस बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को हम बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। यह हमेशा गिरावट के टाइम पे बनता है। जब बाजार में गिरावट आती है उस शेयर की जो प्राइस है काफी गिर जाती है, उसमें करेक्शन देखने को मिलता है, तब वहां पे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है। ये आपको इंडिकेट करती है यहाँ से प्राइस अब ऊपर की ओर जा सकती है। यहाँ पे जो आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन कैंडल की जरूरत पड़ेगी। जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका जो हाई है इसके ऊपर जब आपको क्लोजिंग मिलेगी, आप तब इस शेयर में अपनी एक लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये रेड कैंडल का जो लो रहेगा वो आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस। और जब भी आप अपना स्टॉप लॉस, टारगेट और प्राइस डिसाइड करते हैं उस टाइम आपको देखना है कि आपको जो रिस्क रिवॉर्ड है उसमें ये शेयर बैठ रहा है कि नहीं, आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड प्रॉपर मिल रहे हैं कि नहीं, और आपको अपने स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे स्ट्रिक्ट रहना है। तो दोस्तों, आज के लिए नहीं रुकते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।